भारत और कोरिया के संबंधों का आधार सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इसका मुख्य आधार है पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट। देश से आए या फिर यहीं रह रहे आप सभी भारतीय हमारे संबंध की बुनियाद है। राजदूत तो एक होता है लेकिन राष्ट्रदूत अनेक होते हैं। भारत और कोरिया के बीच आत्मीयता का ये संपर्क नया नहीं है। प्राचीन काल में भारत की राजकुमारी सूर्यरत्ना हजारों किलोमीटर की यात्रा कर करके यहाँ पहुंची थी। उनका विवाह यहाँ के राजा से हुआ। आज भी लाखों कोरियाई अपने आप को उनके वंशज मानते हैं और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कोरियाई समाज से एक प्रकार से हम लोगों का खून का रिश्ता है। कोरियाई समाज की रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें भारत का भी अंश है। आज भी अयोध्या में राजकुमारी की मूर्ति स्थापित है और पिछली दिवाली पर यहाँ की प्रथम महिला किम जोंग सुक वहाँ पर साक्षी रही। बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, शायद यहाँ पर भी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ होगा। शायद जिस समय भगवान राम जी वापस आए थे और अयोध्या में रोशनी थी, हजारों साल के बाद वैसी रोशनी फिर से अयोध्या में हुई थी। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया के संबंधों को बौद्ध धर्म ने भी बहुत ताकत दी, बहुत सशक्त बनाया। एक कोरियाई बौद्ध भिक्षुत होइचो ने 8वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। फ्रेंड्स, ये जानकर अच्छा लगता है कि कोरिया के विकास में भी जिस प्रकार से पुरातन चीजें हमें प्रेरणा देती हैं, आप सबका पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। यहां पर भारतीय मेघा और कौशल का बहुत सम्मान है। आप कोरिया में रिसर्च तथा इनोवेशन में योगदान दे रहे हैं। भारत में रहकर कोरियाई कंपनियों को R&D फैसिलिटीज प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन एकेडमिक्स रिसर्चर्स तथा पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स अग्रणी कोरियाई यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ रहने वाले भारतीय कोरिया की आर्थिक समृद्धि के साथ ही यहाँ की संस्कृति और सामाजिक जीवन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, कोरिया में योग को बहुत सम्मान और स्नेह मिला है। आप लोग करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाहर वाले तो पूछते होंगे जब भी मिलते होंगे, अच्छा भाई तुम योग का क्या जानते हो, तो आप कहते हो नाक पकड़ के बैठ जाओ यार, हो जाए। सोल, बुसान तथा अन्य शहरों में 2000 से ज्यादा लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बहुत ही मनोयोग से जोश के साथ हिस्सा लिया था। कोरिया में आप सभी होली, दिवाली, बैसाखी, एक प्रकार से सभी भारतीय उत्सवों को सिर्फ मनाते ही नहीं बल्कि उसमें अपने कोरियाई दोस्तों को शामिल भी करते हैं। अब यहाँ के शहरों में भारतीय रेस्टोरेंट्स को जगह मिलनी शुरू हो गई है। वहीं यहाँ के मेनू में भारतीय डिशों को भी स्थान मिल रहा है। यहाँ के लोग भी जानने लगे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर भारतीय फिल्में
काफी पॉपुलर होती जा रही है। अब कोरियाई बच्चों के बीच कबड्डी कबड्डी भी सुनने को मिल रहा है, बोल रहे हैं ना यहाँ के लोग कबड्डी। साल 2018 में तो एशियन गेम्स में कोरिया की टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता है। इसके लिए मैं यहां के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि राजदूत एक ही होता है, लेकिन हर हिंदुस्तानी जहां भी हो वो राष्ट्रदूत होता है। एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर हैं। 30 मिलियन ओवरसीज इंडियंस, इनकी कड़ी मेहनत अनुशासन से दुनिया भर में देश की साख बढ़ी है। और मैं जिस देश में भी जाता हूं, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि भारतीयों की प्रतिष्ठा कानून मानने वाले नागरिकों के तौर पर बड़े गौरवपूर्ण रूप से उल्लेख होता है।